दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं करते साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकाम को कत्ल करने की मंसूबाबंदी पर पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। जरा अंदाजा लगाओ कौन लोग हैं। The FBI arresting a Pakistani national in connection with an alleged plot to assassinate former President Donald Trump. क्या कहना चाहेंगे हमारे लिए ऐसा पाकिस्तानी, कितनी इंसल्टिंग बात है। हमारा मुल्क 76 साल बाद किन मसाइल से दुचार है। आसिफ मर्चेंट डोनाल्ड ट्रंप और मुतादिद अमरीकी सियासतदानों को कत्ल करने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। इससे पहले करीमा बलूच की हत्या की साजिश, हत्या की गई थी, उस पे आरोप लगे। वहां से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बच्चा पढ़ के निकलता है, उस यहाँ पे आप वर्ल्ड बैंक का हेड बन जाता है। यहाँ मैं देखा उनके डायस्पोरा की स्ट्रेंथ, देखें आप भारत, देखे ना भारतीयों के डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखें। दुख के साथ ये कहूंगा, अमेरिका के पास एक एविडेंस आया कि पाकिस्तानी हत्याएं कराते हैं दूसरे कंट्रीज में। जाओ जाके कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहे, वो नेगेटिव चीजें ही उनको पिला रहे हैं, उन्हें नहीं चाहिए। देखो हमने एक टैग लगाया है अपने ऊपर, हम इस्लामी गैर इस्लाम की चीजें यूज कर रहे हैं। चौथा बुरा पासपोर्ट जब आपके हाथ में हो तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ शक की निगाह से देखने के अलावा दुनिया की कम्युनिटी के पास भी कोई चारा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को निपटा के पाकिस्तान को भी फायदा था। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एंटी पाकिस्तान थे। क्योंकि ट्रस्ट ही किसी को नहीं है कि इस मुल्क का शहरी जब ये मुल्क छोड़ेगा। क्योंकि जो बदनामी होनी थी वो हो गई, लेकिन अब अगर फौरन ये खबर वाले को वालों को पता होता है पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज्जत की जाती है। लेकिन उसके बाद हमने पता लगाया कि इसमें तो पाकिस्तान था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक पाकिस्तानी शख्स पर आरोप लगाया है कि वह पाकिस्तान और ईरान सरकार से कथित तौर पर संबंध रखता है और राजनीतिक हत्याओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। मंगलवार को सामने आए अदालती दस्तावेजों के मुताबिक इस मामले के बाद अमेरिकी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य बड़े नेताओं की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के इरादे से पहले ही गोली चल चुकी है जो ट्रंप के कान को फाड़ते हुए निकल गई थी और वो बच गए थे। और इस घटना के बाद FBI चीफ ने नाकामी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि FBI का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप और अन्य अमेरिकी सरकारी अधिकारी वर्तमान और पूर्व दोनों हत्या की साजिश के संभावित लक्ष्य थे। अमेरिका में जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम आसिफ मर्चेंट है। आखिरकार अमेरिका के पास एक एविडेंस आया कि पाकिस्तानी हत्याएं कराते हैं दूसरे कंट्रीज में। ये एविडेंस कैसे आया अमेरिका के पास, ये भी बताऊंगा। इससे पहले करीमा बलूच की हत्या की साजिश, हत्या की गई थी, उस पर आरोप लगे। कैनेडियन अथॉरिटीज तो आपको पता ही है कैसी हैं, वो पाकिस्तान को खालिस्तान को सपोर्ट करती है। स्वीडन में भी एक की हुई थी हत्या, और ये कईयों की अहमद वकास गुराया की हत्या की साजिश की, और वो नीदरलैंड्स तक आदमी पहुंच गया था। अब की बार अमेरिका में एक पाकिस्तानी पकड़ा गया है। बोला जा रहा है ये पाकिस्तानी जो है, इसकी एक फैमिली यानी कि एक पत्नी और बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, एक पत्नी और बच्चे ईरान में रहते हैं। इस आदमी का नाम है आसिफ मर्चेंट। ये कोशिश कर रहा था कि ये है पाकिस्तानी नेशनल, लेकिन ये ईरानियन गवर्नमेंट के साथ इसके टाइज है, ऐसा क्लेम किया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी जो चार्जशीट है उसमें। ये इसका नाम आसिफ मर्चेंट है, 46 साल का है, और ये कोशिश कर रहा था कि ये असैसिनेट कर पाए फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी या उनके जूनियर्स, और फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को या GOP प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, अभी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स है उनको। अच्छा, ये जो आदमी है जब अरेस्ट हुआ है उसके आसपास ही डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था। इस आदमी के ऊपर जो भी कहानी है हमें नहीं पता, लेकिन मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की रिलीज को तो ट्रस्ट करूंगा। और अमेरिका थोड़ा बेशर्म कंट्री जरूर है, लेकिन उसे भी पता चला कि पाकिस्तान असैसिनेशन कहां तक कराता है। खालिस्तानियों को सपोर्ट जरूर करता है अमेरिका, पाकिस्तान भी करता है, कहीं ना कहीं मिलते हैं। लेकिन अब समझ में आया कि कितनी कितनी हत्याएं हो रही हैं, बाहर ISI कितनी हत्याएं करा रहा है, इसमें ISI का जिक्र कहीं नहीं है। जानबूझ के छोड़ा गया या कैसे भी, या ईरान को फंसाया गया,
ये आदमी, इसकी एक बीवी ईरान में है, एक बीवी पाकिस्तान में है, क्या ये बात पता नहीं थी पाकिस्तान को कि आपका एक आदमी बड़े असैसिनेशंस कराने जा रहा है? ये बात पता नहीं थी? मैं नहीं मान सकता, वर्ल्ड की नंबर वन एजेंसी को कुछ तो जरूर पता होगा। कहां तक पता था ये इस रिलीज में लिखा भी नहीं गया है, ठीक है। और इस आदमी ने $5,000 दिए और बोला कि मैं वापस चला जाऊंगा, उसके बाद बाकी पैसा दिया जाएगा और काम भी उसके बाद ही करना। क्यों इसने बोला ऐसा? क्योंकि ये चला जाएगा, उसके बाद ये पकड़ा नहीं जाएगा। अमेरिका में होगा तो पाकिस्तान में कहाँ घुस जाएगा? डेनियल पर्ल के मर्डर आज तक कहाँ है, कैसे पता लगेगा? अमेरिका में होगा तो पकड़ा जाएगा, या ईरान से निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये दोनों ऐसे कंट्रीज में बैठा था जहां जो के होस्टाइल थे, जहां से पकड़ना तो बड़ा मुश्किल था। एक दो अगर 5-10 लोग गुआंतानामो बे पहुंच गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे आतंकी या सारे लोग पकड़े जाए। अमेरिका चीखता रहता और वही होता जो हाफिज सईद के साथ हो रहा है। हाफिज सईद है इंटरनेशनल क्रिमिनल, है ना, इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ है यूएन से। क्या हुआ, पकड़ा गया क्या? दाऊद पकड़ा गया क्या? नहीं, लिस्टें आती हैं, बस ये भी गायब होता। पाकिस्तानी सरकार बोलती हमें तो नहीं पता कहाँ है, हमारे पास तो है नहीं, और फिर उसके बाद एक दिन बोलती कि मर गया, हमें क्या पता। लेकिन ये भी लॉ एनफोर्समेंट, ये जो जो बोला गया है वो ये है, लॉ एनफोर्समेंट फाइल द चार्ज प्लॉट बिफोर एनी अटैक कुड बी कैरिड आउट, आर ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन हैज नॉट फाउंड एनी एविडेंस दैट द पर्सन, ये मर्चेंट जो है, दैट द पर्सन हैड एनी कनेक्शन विद द शूटिंग इन बटलर पेंसिल्वेनिया। मतलब बटलर पेंसिल्वेनिया में शूटिंग किसकी, किसके ऊपर हुई थी? डोनाल्ड ट्रंप की हुई थी। ये आदमी, इसकी पहले भी मतलब इस आदमी के जो पकड़ा गया, इससे पहले भी माइक पोम्पियो, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनको धमकी आ चुकी है। फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन, इनको भी धमकी आ चुकी है मारे जाने की। ये दोनों भी इससे रिलेटेड थे आदमी से, इसका भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। ये मर्चेंट यानी कि मर्चेंट साहब या वो आदमी जो मर्डर करवाना चाहता था, वो आदमी अप्रैल में पहुंचा था अमेरिका में। अच्छा, इनको वीजे भी मिल जाते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट दिलवाती है। ईरान से होता तो ईरान तो पहले ही दुश्मन है, तो ईरान से उसको वीजा कैसे मिला? कहीं ये अमेरिकन गवर्नमेंट बताने के मूड में है नहीं, तो इसको, क्योंकि इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो ये पाकिस्तान से वीजा लेके गया होगा, ये गारंटी है। इस रिलीज में तो कहीं ऐसा नहीं है कि कहां से पहुंचा था, और पाकिस्तान में ऑफिशियल्स के साथ कनेक्शन रहे होंगे इसके, जिन्होंने कोशिश की होगी कि इसको भेज दो, ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं मान सकता कि एक आदमी 4 बार 5 बार ईरान चला गया है, 10 बार ईरान चला गया है, मतलब एक दो बार में तो कॉन्स्पिरेसी हैच नहीं हुई होगी ना। वो गया होगा बाय एयर, गया होगा, वीजा लिया होगा, एयरपोर्ट से गया होगा, या क्रॉस करके गया होगा। बीवी है एक वहां पे, बच्चे हैं, तो ऑफिशियल्स की निगाहों में होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहां पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।